वेब सीरीज मिर्जापुर के माध्यम से जिले को बदनाम करने की कोशिश से आक्रोशित युवाओं ने पोस्टर फूंककर अपने गुस्से का इजहार किया। उधर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी हिंसा, खून खराबा और अश्लीलता परोसे जाने पर सेंसर बोर्ड के दायरे में लाने की आवाज उठाई है। फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने मिर्जापुर वेब सीरीज में हिंसा, खून खराबा और अश्लीलता पर चिंता जताई है। उन्होंने वेब सीरीज को सेंसर बोर्ड के दायरे में लाने की गुहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वीडियो के माध्यम से की है। राजू श्रीवास्तव ने कहा है कि जी हाँ, मिर्जापुर नाम की एक वेब सीरीज आई है जिसे बच्चे और युवा देख रहे हैं। इस मिर्जापुर नाम के वेब सीरीज में बहुत सारी हिंसा है, खून खराबा है, अश्लीलता है। अब वक्त आ गया है, वेब सीरीज रिलीज हो रही है, इनका पहले सेंसर हो, यह भी सेंसर बोर्ड के अधीन आए, पहले वहां से पास कराए फिर प्रदर्शित हो, इससे गंदगी की रोकथाम की जा सकती है। ऐसी मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करना चाहता हूं। योगी जी संज्ञान में ले और इसे सेंसर बोर्ड के अधीन ले। वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग मिर्जापुर विकास समिति के अध्यक्ष ने की। लाह, चपड़ा और रुई के व्यापार के चलते विश्व की मंडी रहा मिर्जापुर पीतल के बर्तन, कालीन उद्योग के नाम और माता विंध्यावासिनी के धाम के रूप में जाना जाता है। यह जिला शांति प्रिय रहा है, इसके बावजूद जिले को बदनाम करने की कोशिश वेब सीरीज मिर्जापुर के माध्यम से की जा रही है। इस पर केंद्र और प्रदेश सरकार तत्काल रोक लगाए। ऐसा है कि मिर्जापुर जनपद बहुत शांति प्रिय जनपद है। इस जनपद में माँ विंध्यवासिनी का निवास भी होता है। विंध्य क्षेत्र के नाम से इस जनपद को भी जानते हैं। यहाँ पर केवल उद्योग के नाम से यह जनपद जाना जाता था, लेकिन आज जो वेब सीरीज बनाने वाले लोग हैं इस जनपद को बदनाम करने के लिए यहाँ डकैत का रोल ले रहे हैं, यहाँ पर असलहों का भंडार बता दे रहे हैं। इससे यह जनपद पूरी तरीके से बदनाम हो रहा है। मिर्जापुर का युवा इसे कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है, क्योंकि आए दिन जो फिल्मों के माध्यम से इस जनपद की जो स्थितियाँ बताई जा रही हैं, जो यहाँ के लोग, यहाँ के मतलब फिल्म के निर्माताओं द्वारा जो यहाँ के लोगों को माफिया राज का दर्जा देने का काम कर रहे हैं, जो कतई रोका जाना चाहिए। यदि नहीं रोका जाएगा तो यहाँ के नौजवान इसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। जैसा कि वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर बनाई गई, फिर मिर्ज़ापुर 2 का भी वेब सीरीज़ का प्रसारण हो रहा है, वो मिर्ज़ापुर के सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक पहचानों को खंडित करने का काम कर रहा है। मिर्ज़ापुर ऐतिहासिक नगरी है, ऐतिहासिक जनपद है, यह अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है, न कि जिस तरीके की रचना वहाँ पर रियल लाइफ में दिखाई जा रही है वैसा मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर बिल्कुल शांतिपूर्ण जिला है, यहाँ कभी भी किसी प्रकार का कोई माफिया राज नहीं रहा है, किसी प्रकार के भी असलहों का उत्पादन क्षेत्र नहीं रहा है। यहाँ खेती बाड़ी होती रही है, यहाँ के व्यापार दुनिया भर में जाने जाते रहे हैं। उस चीज़ को दिखलाना चाहिए था, लेकिन मिर्ज़ापुर के नाम को बदनाम करने की जो ये साजिश रची गई है इसका हम विरोध करते हैं, और मिर्ज़ापुर का हर नौजवान इसका हर पटल पर विरोध करेगा। और हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार से कि ऐसी वेब सीरीज़ जो कि हमारी सांस्कृतिक पहचान को खंडित करता है उसे रोका जाना चाहिए।